तो आज इंडियन वॉयस ड्राइविंग थ्रीडी वाले फ्रैंकलिन का घर फंस चुका है एयरपोर्ट के बीच, और ये कोई नॉर्मल एयरपोर्ट नहीं है। यहाँ पे हर 5 मिनट में एक बहुत बड़ा प्लेन आता है लैंड होने के लिए, और प्रॉब्लम ये है कि फ्रैंकलिन का घर एग्जैक्टली उस जगह टेलीपोर्ट हुआ है जहाँ पे सारे प्लेन लैंड करते हैं। उत्तरी, क्या फ्रैंकलिन इन इतने सारे प्लेन से अपने घर को बचा पाएगा, और क्या फ्रैंकलिन अपने घर को वापस इंडियन वॉयस ड्राइविंग थ्रीडी में ले जा पाएगा? आइए देखते हैं। अबे एक मिनट भतीजी यार, मुझे किसी प्लेन की बात आई, लगता है कोई प्लेन आ रहा है हमारे घर की तरफ। अबे ये तो सीधा हमारे घर की तरफ आ रहा है। ओह, तो फाइनली यार हमने आरपीजी से उसे उड़ा दिया। अबे ये थोड़ा हवा में कैसे अटका, इसे भी उड़ा देते हैं। यार मैं पिछले 1 घंटे से यहाँ पे फंसा हूँ, एंड यहाँ पे 8-10 प्लेन आ चुके हैं यार, और मैं बाल बाल बच जाता हूँ यार प्लेन से टकराते टकराते। कोई कोई प्लेन मेरे घर के ऊपर से निकल जाते हैं, और कोई कोई बेचारे प्लेन जल्दी से लैंड करने के चक्कर में हमारे घर को देखते हैं और सामने जमीन पर ही ब्लास्ट हो जाते हैं। यार मैं अपने आप को GTA 5 में टेलीपोर्ट कर रहा था, लेकिन मेरा घर भी GTA 5 में टेलीपोर्ट हो गया। और तो और जिस चीज से मैं टेलीपोर्ट हो रहा था वो चीज भी पता नहीं कहाँ टेलीपोर्ट होगी। वैसे यार अब तो मुझे कैसी ना करके अपने दोस्तों से मदद लेनी पड़ेगी। मैं सीधा माइकल को फोन करता हूँ और उससे बात करता हूँ, यार शायद वो मेरी कोई हेल्प कर पाए। ऑलराइट भतीजी, यार मेरी माइकल से बात हो गई है। उसने कहा है सबसे पहले तो तुम उस ट्रैक से जहाँ पर सारे प्लेन लैंड हो रहे हैं उससे अपने घर को थोड़ा सा साइड कर दो, तब तक मैं आ जाऊँगा, उसके बाद हम सीधा लेके चलेंगे तुम्हारे घर को तुम्हारे इंडियन वॉयस ड्राइविंग थ्रीडी के सिटी में। वाह यार ये हो जाएगा तो यार हमारी सारी प्रॉब्लम ही सॉल्व हो जाएगी, लेकिन अभी मेन प्रॉब्लम है कि हम अपने घर को यार साइड कैसे करें। यार एक मिनट यार, मुझे कोई बड़ा जॉइंट व्हीकल चाहिए होगा जिससे मैं धक्का देके अपने घर को हटा सकूं। यार अभी अभी एक प्लेन आया था, बस 2-3 मिनट में एक और प्लेन आता होगा, इसलिए मुझे जल्दी से जल्दी अपने घर को हटाना पड़ेगा, वरना आज हमारा घर भाई टूटने वाला है। यार भाई इतनी बार प्लेन टकराते बचाए, मैं क्या बताऊं। अबे यार एक मिनट यार, मुझे कोई एक व्हीकल दिख रहा है भाई, कितना बड़ा है भाई, लगता है इससे हमारा काम हो सकता है भाई, इससे तो 100% काम हो जाएगा भाई। भाई इसके टायर देखो कितने बड़े बड़े, यार मुझसे बड़े तो इसके टायर है भाई, इसको ही लेके चलते हैं। अभी इसको लेके चलते हैं और अपने घर के साइड में लगा के उसको धक्का देते हैं, अगर घर थोड़ा सा भी इधर खिसक गया ना तो जो प्लेन लैंड हो रहे हैं उनके लिए रास्ता खाली हो जाएगी और प्लेन आराम से लैंड हो जाएंगे, हमारा घर भी सेफ और ये सारे प्लेन भी सेफ। तो मैं थोड़ा इधर से लगाता हूँ यार, साइड करता हूँ। यार मुझे लग रहा है घर हमारा कुछ ज़्यादा ही भारी है, रुको थोड़ा सा प्रेशर मारते हैं, एक्सीलेटर लेते हैं, वो उतनी हिला 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 हिला, थोड़ा सा अगर हिला, देखा आपने, हाँ थोड़ा और भाई यार थोड़ा सा और, फ्रैंकलिन यार थोड़ी दम और लगा दे यार, अगर हमारा एक बार घर सेफ हो गया ना फिर तो हम इसे कैसे भी ना कैसे अपने इंडियन वॉयस ड्राइविंग थ्रीडी में वापस ले जा पाएंगे। क्या बात है यार, हमने ऑलमोस्ट आधी रोड खाली कर दी है, और क्या बात है यार, पूरा का पूरा ट्रैक छोड़ के हमारा घर साइड हो चुका है। यार माइकल ने क्या अच्छा आइडिया दिया था यार, अब तो मैं पूरा का पूरा सेफ हूँ, बस अब मुझे क्या करना है ना, मेन काम अपने घर को ले जाना है इंडियन वॉयस ड्राइविंग थ्रीडी सिटी में। और यार एक प्रॉब्लम हो गई यार, हम यहाँ पे ये सब कर रहे हैं भाई, अगर पुलिस को पता चल गया ना भाई पुलिस हमारी बाड़ लगा देगी यार। भाई माइकल बोल भी रहा था यार तुम जल्दी से ट्रैक खाली कर दो वरना पुलिस आ जाएगी, और एक बार पुलिस आ गई ना तो तुम्हारी वार्ड लगा देगी। वैसे यार हमने ट्रैक खाली करके घर तो अपने साइड में कर ही दिया है, पर प्रॉब्लम ये है अब इसको लेके कैसे जाएंगे यार, जब तक माइकल आता है तब तक मैं ऐसे खाली नहीं बैठ सकता। मैं ऐसा करता हूँ यहाँ से कोई प्लेन उठा लेता हूँ यार, इस प्लेन को लेके चलता हूँ। हेलो 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 भाई हेलो, क्या मुझे ये प्लेन मिल सकता है क्या? भतीजो यार मैं इस बंदे से प्लेन मांग रहा था, एंड यार इसे नहीं देना तो तुम मत देता यार, और भी प्लेन खड़े थे एयरपोर्ट पे, पर ये मुझसे बोले लगा आ जाओ फाइट कर लेते। अबे यार कुछ भी यार, अबे ये ले साले, नहीं देना तो मत दे, अब तो इसे मैं मार के प्लेन ले जाऊंगा, ये ले साले, ये सिक्योरिटी में लगा था प्लेन की, और ये ऐसे लड़ने की ज्यादा चुल है। रुक जाओ बेटा, तुझे तो मैं भतीजो यार गन से नहीं मार सकते, इसके लिए तो कोई कुल्हाड़ी वुल्हाड़ी निकालेंगे, धीरे से इसको खत्म कर देंगे कि ये किसी को बता भी ना पाए कि इसे कोई फ्रैंकलिन नाम का बंदा मार के गया। क्या बात है यार, पीठ पे वार नहीं करना चाहिए, कोई बात नहीं। वैसे इसका प्लेन जल्दी से लेते हैं चल के। अबे एक मिनट, इसका प्लेन तो खराब है। अबे यार फालतू में ही है यार, मार खा के ये वाला प्लेन देखते हैं। भतीजो यार यहाँ के ज़्यादातर प्लेन कोई ऑफ है, किसी का इंजन ऑफ है, तो किसी में सामान लोड हो रहा है यार, मैं तो यार
पक चुका हूँ। जो एक प्लेन अभी एक मिनट अबे यार यहाँ पर यार लगता है सिक्योरिटी वाले के हेलीकॉप्टर्स घूम रहे हैं, अगर इन्होंने हमें देख लिया ना एयरपोर्ट पे ऐसे घूमते हुए भाई साहब सीधी गोली पड़ेगी, इसलिए इनसे छुपके हमें सारा काम करना पड़ेगा। अभी हम चुपचाप से प्लेन बस एक ढूंढ लेते हैं और सीधा चलते हैं अपने घर के पास, और तब तक माइकल भी आ रहा होगा और हम दोनों मिलकर अपने घर को प्लेन के ऊपर रख के सीधा उड़ा लेंगे। फाइनली भतीजो यार काफी देर बाद मुझे एक प्लेन मिल ही गया, पर प्रॉब्लम ये है यार इसे दो लोग चलाते, मतलब कि इधर यार दो पायलट चाहिए, तो कोई टेंशन की बात नहीं है यार, हम इसको जमीन पे तो अकेले ही चला सकते हैं, पर हवा में उड़ाने के लिए हमें इसके लिए दो पायलट चाहिए है। तो हमारे पास हमारा दोस्त माइकल है ना, वो आता ही होगा, उसके बाद हम दोनों लोग मिलकर इस प्लेन को ले जाएंगे अपने इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में। वैसे एक मिनट यार थोड़ा सा कायदे से मुझे उड़ाना होगा, सामने एक टूटा हुआ प्लेन पड़ा है यार। अबे भाई थोड़ा सा कायदे से अपना पता चला ये भी प्लेन टूट गया यार। नहीं 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 यार ऐसा नहीं होने दूंगा मैं। ओके तो फाइनली हमने इसको टर्न कर लिया है एंड थोड़ा सा और बस क्या बात है, लेकिन अभी भी एक प्रॉब्लम है यार, अपने इतने बड़े घर को इतने बड़े प्लेन पे कैसे रखेंगे यार, मुझे कुछ आइडिया नहीं मिल पा रहा यार। और फिर यार अभी तक माइकल भी नहीं आया। अभी एक मिनट यार सामने एक गाड़ी आ रही है, भाई ये कोई पुलिस वाले तो नहीं है? ओ तेरी यार पुलिस नहीं होनी चाहिए यार। एक मिनट यार ये सामने से आके थोड़ा साइड में रुक गई है। नहीं यार भतीजो पुलिस वाले हो तो सीधा गोली चलाने लगते हैं। ओके भतीजो यार फाइनली माइकल आ चुका है। माइकल भाई यार थैंक यू यार तुम आ गए, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ गया। अभी यार मैं जल्दी से अपने घर को लोड कर लेता हूँ उस प्लेन पे, फिर हम दोनों लोग चलेंगे इंडियन बाइक्स ड्राइविंग 3D में अपने घर को उसकी जगह पर वापस ले जाने के लिए। मैं इस बड़े से ट्रक की हेल्प से अपने घर को उठा लेता हूँ। ओके मैंने अपने ट्रक को अपने घर के नीचे घुसेड़ दिया था, अब आराम से अपने घर को मैं उठा पा रहा हूँ। अब मैं सीधा सा इस घर को रख दूंगा इस प्लेन के ऊपर। वाओ फाइनली गाइस यार जो हम करना चाहते थे वो हो ही गया। अब बस हमें प्लेन में लगानी है चाबी, प्लेन में चाबी लगती है पता नहीं यार। अब हमें प्लेन को टेक ऑफ कराना है। माइकल भाई यार रेडी हो जाओ टेक ऑफ करने के लिए। भतीजो यार माइकल बता रहा है शायद पुलिस भी आती होगी इसलिए जल्दी निकल लो। अबे एक मिनट ओ तेरी यार जिसका डर था वही हुआ, सामने दो दो पुलिस के बड़े बड़े हेलीकॉप्टर आ चुके हैं। सालो रुको यार पहले इनको ही मार लेते हैं, क्योंकि अगर हम सीधा प्लेन में बैठ गए तो ये लोग प्लेन को उड़ा देंगे यार। अगर इन्होंने प्लेन को उड़ा दिया ना भाई तो फिर हमारा एक मिनट एक बंदा ऊपर से टपका, भाई मैंने इसको मारा ये ऊपर से सीधा नीचे टपक गया। ये देखो भाई पुलिस, भाई ये पुलिस का ही बंदा है। माइकल मारो इनको यार। भाई एक आखिरी हेलीकॉप्टर बचा, इसमें भी मैंने यार दो तीन बंदे टपका दिए। नहीं वैसे यार मजा तो आ रहा है भाई। भाई लगता है ये पुलिस वाले यार मुझे जाने नहीं देंगे यार, बहुत बुरी तो। ओ तेरी फाइनली। अबे एक मिनट यार ये वाला हेलीकॉप्टर नीचे कैसे आ गया? अबे यार इससे गार्ड्स उतर रहे हैं। अबे रुक 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 निकाल तेरी पिस्तौल। ये लो ये ले बेटा तुम नीचे आके मारोगे, इससे बढ़िया तुम ऊपर सेफ थे। अबे माइकल छोड़ो यार इनको मारने लगोगे तो इन्हें मारते ही रहोगे। जल्दी से निकल लेते हैं यार, अब तो पुलिस भी नहीं रही। जल्दी आ जाओ यार। दो हेलीकॉप्टर थे दोनों को हमने उड़ा दिया, अभी जल्दी से अपनी फ्लाइंग बस में बैठ कर उड़ जाते हैं। ऑलराइट भतीजो यार माइकल और मैं बैठ चुका हूँ एयरोप्लेन में, लेकिन एक मिनट पुलिस का और एक हेलीकॉप्टर आ गया। यार मैं नहीं रुकने वाला, इनसे ज्यादा फाइट नहीं लेंगे, सीधा हम टेक ऑफ कर जाएंगे। एक भाई पुलिस की गाड़ियां देख रहे हो कैसे आ रही है भाई साहब, अगर हम थोड़ा लेट हो जाते ना यहाँ से निकलने में तो भाई आज हमारी बाढ़ लग जाती, इतनी पुलिस आने वाली थी। अबे यार एक मिनट ये मेरा प्लेन उड़ क्यों नहीं रहा है? अबे यार ये क्या हुआ? ओ तेरी शिट यार हमारी स्पीड ही नहीं बन पाई, रुको यार इसको वापस से ले जाना पड़ेगा यार। अबे यार ये क्या प्रॉब्लम हो गई भतीजो यार, हमारा प्लेन टेक ऑफ करते करते रह गया क्योंकि हम इतना स्पीड में नहीं आए थे यार। लेकिन मैं इस बार ये गलती नहीं करूंगा, मैं वापस जा रहा हूँ और मैं घुमा के लेके आऊंगा फिर फुल स्पीड में इस प्लेन को टेक ऑफ कराऊंगा। अबे निकल जा बाहर यार वरना ये पुलिस वाले अगर हमारे प्लेन के अंदर एक बार घुस गए ना भाई वो मार मारेंगे ना, ये बहुत खतरनाक पुलिस वाले। एक हेलीकॉप्टर तो हमारे घर के ऊपर घूम रहा है, मुझे लग रहा है कि ये घर के ऊपर लैंड ना कर जाए, तो हम मैं उसे भाई उड़ा के ले चलूंगा भाई इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में और वहीं पे देखेंगे उसका क्या करना है। ऑलराइट भतीजो यार हम फुल स्पीड में आ चुके हैं, ये क्या बात है यार फाइनली हमारा प्लेन टेक ऑफ कर चुका। बे ये क्या हो रहा है यार, ये क्या हो रहा है भाई, बड़े कायदे से टेक ऑफ कराया हमने। वैसे अब सीधा हमें चलना है इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D में, और यार प्लेन की टक्कर हेलीकॉप्टर्स नहीं ले सकते तो ये पुलिस वाले हेलीकॉप्टर्स क्या करेंगे। जाओ बेटा पुलिस वालों कोई प्लेन लेके आओ। भतीजो पुलिस वाले इसलिए मेरे पीछे पड़ गए होंगे क्योंकि मैंने इतना बड़ा प्लेन जो चुराया था उस बंदे से पुलिस वालों को पता चल गया होगा, बाकी तो सब ठीक ही था यार। ऑलराइट भतीजो यार मैं ऑलमोस्ट पहुंच चुका हूँ इंडियन बाइक ड्राइविंग 3D की सिटी के पास, बस इस पहाड़ को हमें
क्रॉस करना है, ये बहुत बड़ा यार पहाड़ है यार, बस इतने बड़े माउंटेन को पार करते ही हमारा इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री आ जाएगा। और जैसा कि मैंने बोला था भतीजे यार, इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री आ चुका है, बस हमें यहाँ पर कायदे से लैंड कराना है। अगर हमने यहाँ गलती कर दी तो हमारा घर जाएगा, हमारा प्लेन जाएगा और हमारी जान भी जा सकती है। बस थोड़ा 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 कायदे से मैं उतार रहा हूँ रोड पर, क्या बात है यार। वैसे मैं यार अपने एयरपोर्ट पर भी उतार सकता था पर मैंने यही पैर लैंड करा दिया, कोई बात नहीं भतीजो। अब शिट मैं यार बीच में उतर गया यार, सबसे पहले मैं अपने घर के ऊपर चल के देखता हूँ सब कुछ ठीक तो है ना। ऑलराइट भतीजो यार, हमारा घर और हम दोनों लोग सेफली इंडियन बाइक्स ड्राइविंग थ्री की सिटी में आ चुके हैं, क्या बात है यार, मजा आ गया यार, काफी ज्यादा एडवेंचरस सीन था। वैसे भतीजो यार, अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हैं तो क्या कर रहे हो यार, लाइक करो सब्सक्राइब करो, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक लिए चाचा की तरफ से ढेर सारा प्यार।